बॉलीवुड की सुपरहिट फिल्में और उनके सीन्स और गानों के लिए सब्सक्राइब करें अल्ट्रा बॉलीवुड और बेल आइकन पर प्रेस करें। सुनो सुनो भाइयों सुनो, वो बजरंगपुरा और मोमिनपुरा के लोगों के बीच दंगा छिड़ गया है। अरे मैं लुट गया। अरे चलो, इससे पहले कि दंगा और भड़क जाए हमें यह शहर छोड़ देना है। जल्दी चलो। सुनिए, नहीं, मैं इस शहर में दवाई का ऑर्डर लेने आया था। इसी गाड़ी से वापस जाना था। स्टेशन बंद है, अगर आप कोई गेस्ट हाउस या कोई लॉज बता सके जहां मुझे रात गुजारनी है, और कोई पोस्ट ऑफिस। यहां से सीढ़ियां उतरते ही दाएं मोड़ जाना, 6-7 घर छोड़ते ही पोस्ट ऑफिस मिलेगा, और उसी के साथ में गेस्ट हाउस भी। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। जैसे हमेशा होता है, एक मासूम की जान गई और दंगा करने वाले बचकर निकल गए। बचा! बचा!
सभी क्या कर रहे हो तुम लोग? आज इन लोगों को दिखा के रहेंगे। अरे बाहर निकल दिया, दरवाजा तोड़ो। मगर इन लोगों ने किया क्या है? हाँ, कुछ बिगाड़ा तुम्हारा या कोई जाति दुश्मनी है इनसे? नसीमा, तुम्हें पता नहीं, इन लोगों ने हमारे दुरुस्तों पर ईंटें फेंकी हैं। हाँ, और ईंट का जवाब पत्थर से देना हम जानते हैं, हम कायर नहीं। अरे ईंट और पत्थर जवाब देने के लिए नहीं होते, घर बनाने के लिए होते हैं। अरे हट, हमें अपने काम करने दे। तो ये काम है तुम्हारा, बेबस मार बच्चों को डराना धमकाना? अरे इसी काम के लिए अपनी माँ का दूध पिया था, इसी काम के लिए हम लोग घंटों व्यायामशाला में कसरत करते थे। अरे इतना जोश है तो अखाड़े में दिखाओ अपनी ताकत, बॉक्सिंग रिंग में दिखाओ, फौज में भर्ती होकर दिखाओ। सिम्हा, अगर इस जगह मोमिनपुरा के लोग होते और तेरे लोग घर के अंदर होते ना, तो वो लोग यही करते, यही करते वो लोग जो हम करना चाहते। इस वक्त भी अंदर मेरे ही घर के लोग हैं, और जब तक मैं यहां हूं इनका पाल भी बांका नहीं हो सकता, क्योंकि इस वक्त ना मैं बजरंगपुरा का हूं और ना ही मोमिनपुरा का, बल्कि सिर्फ एक इंसान हूं। और तुम लोग ना मेरे पड़ोसी हो ना ही मेरे दोस्त, बल्कि सिर्फ हैवान हो। वक्त वो तलवार जो मेरे हाथ से जुड़ गई, वो आज तक निकल नहीं पाई। दीदी
छोटू, 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 मीरा, मीरा, मीरा कहाँ है? नहीं बचा सका बेटा, मैं नहीं बचा सका। बहुत मेहनतें की मगर वो 10-12 थे। मेरी टांगों पर लाठियां मार मार कर मुझे नाकारा बना दिया और उसकी इज्जत भी। कौन थे वो लोग? कौन थे वो लोग? बेटा जब इंसान के अंदर का जानवर जागता है तो अपनी कायर और घिनौनी हरकतों को लोगों की नजरों से छुपाने के लिए भीड़ के रूप में आता है, और उस भीड़ की कोई शक नहीं होती, उसका कोई मजहब नहीं होता, उसका कोई धर्म नहीं होता बेटा, उसका कोई धर्म नहीं होता, उसका कोई धर्म नहीं होता बेटा। मीरा, 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 मीरा!